जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो है बेसिकली जो मेरे साथ मतलब के लोग यूट्यूब पे चल रहे हैं और जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप वगैरह पे चल रहे हैं, उनके क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ रहे हैं कि हम लोगों ने मतलब के फर्स्ट 15 या 12 वीडियोस भी देख ली हैं, क्लाइंट फर्स्ट की भी हमें समझ आ गई है, वो क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना है, हम लोगों ने क्लासेस कैसे मैनेज करनी है, हर चीज़ वो कहते हैं हमें समझ आ गई है। बट हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट जो है उसको स्क्रैच से स्टार्ट कैसे लेना है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली मैं आप लोगों को बिल्कुल एक बेसिक सा टेस्ट दूंगा कि हम लोगों ने स्टार्ट से स्क्रैच से स्टार्ट कैसे लेना है। ठीक है, तो ये मेरे पास डिज़ाइन है, मैं देखूंगा कि अगर मैनेज हो सका तो मैं इस पेज को डेवलप करता हूँ वीडियो में ही, अगर मैनेज ना हो सका तो फिर सिर्फ मैं बेसिक आप लोगों को एक मतलब इनिशियल स्टार्ट कैसे लेना है वो बता दूंगा। तो सबसे पहले मेन चीज़ तो ये है कि जब आप क्लाइंट फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने कोशिश क्या करनी है कि जो क्लाइंट फर्स्ट का स्टार्टर प्रोजेक्ट है हमने उसी को ही लेके चलना है। मतलब कि हम लोग उसका क्लोन बना लेंगे और उसका क्लोन बनाने के बाद उसके विद इन क्लोन वाली जो कॉपी होगी उसके अंदर ही काम करेंगे, क्योंकि उसके अंदर फिर हमारे पास स्टाइल शीट आ जाती है, तो हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती सेट करने के लिए। जो जो क्लासेस मतलब कि आप मैंने आप लोगों से क्लाइंट फर्स्ट वाली जिन लोगों ने वीडियो क्लाइंट फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा, आप पहले काइंडली जाके वो देख लें, उसके बाद वो इस पे आ जाए। ठीक है, अब क्लाइंट फर्स्ट का स्टार्टर प्रोजेक्ट हम लोगों ने सेट कैसे करना है वो हमने सेट में आपको सेट करने का तरीका बता देता हूँ। आपने क्या करना है, क्लाइंट फर्स्ट स्टार्टर प्रोजेक्ट पे चले जाना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस टाइम जो हम लोग पहले चीज़ें लेके चल रहे थे वो क्लाइंट फर्स्ट वर्जन 1 के लिहाज से लेके चल रहे थे। अब जो क्लाइंट फर्स्ट है उसने अपना नेक्स्ट वर्जन भी लॉन्च कर दिया है और अब जो चीज़ें सारी विद इन वेब फ्लो चल रही हैं वो उसके मतलब के लेटेस्ट वर्जन के लिहाज से चलेंगी, सबकी सब क्लासेस होगी या आपका जो स्पेसिंग सिस्टम है, मार्जिन वगैरह, ये वो सब चीज़ें जो हैं आपकी न्यू सिस्टम के मुताबिक चलेंगी। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए कहा कि आपको बता दूं ताकि आप लोग भी अप टू डेट रहें कि चीज़ें किस तरह डेली बेसिस पे अपडेट हो रही हैं। ठीक है, ओके। अब हम ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे आपको क्लाइंट फर्स्ट स्टार्टर प्रोजेक्ट यहाँ पर आप ले लो, क्लाइंट फर्स्ट स्टार्टर प्रोजेक्ट। हाँ, ये क्लाइंट फर्स्ट क्लोनेबल है। ठीक है, अब आपने जब भी एक कोई प्रोजेक्ट किया, देखें उसने कह दिया क्लाइंट फर्स्ट वर्जन 2। ठीक है, अच्छा, जब भी आपने कोई नया प्रोजेक्ट स्क्रैच से स्टार्ट लेना है, जैसे कि मैं अभी ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट ले रहा हूँ, उसके अंदर मैंने कोई भी काम नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले आपने जाके सर्च कर लेना है क्लाइंट फर्स्ट क्लोनेबल या क्लाइंट फर्स्ट स्टार्टर प्रोजेक्ट, उसको लेकर यहाँ से क्लोन बना लेना है। क्लोन कैसे बनाना है, जस्ट आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और आपकी यहाँ से कॉपी क्रिएट हो जाएगी, क्रिएट साइट, और आप यहाँ पे उसको अपना नेम वगैरह दे देंगे। मैं एक्चुअली ऑलरेडी सेट कर चुका हूँ क्योंकि मैंने उसके ऊपर वेबफ्लो का प्लान भी अपग्रेड कर लिया है, इसलिए अब मैं न्यू आप लोगों के लिए मतलब कि सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि कैसे क्रिएट होगा। टेस्ट कह देता हूँ मैं इसको, क्रिएट साइट। तो ये हमारे पास जो है रेडी हो चुका है, इसमें वो आपको ये क्लास दे रहा है, आपने होम मैसेज कंपोनेंट, इसको मैं डिलीट कर दूंगा और ये मेन रैपर मेरे पास आ गया, ये ग्लोबल क्लासेस आ गई। ग्लोबल क्लासेस जो है ये क्लाइंट फर्स्ट ने अपनी दी हुई हैं, इनको आप लोग इसमें मतलब कोई कस्टम चेंजिंग्स वगैरह हैं वैसा ही सब आप नेक्स्ट स्टेप सीखेंगे। जैसे फ्यूड रिस्पॉन्सिवनेस होती है उसको हम इसके अंदर से कंट्रोल करते हैं, वो कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये चीज़ें ऐसे मतलब कि आप ये मेन रैपर आ गया, इसके अंदर आपके सेक्शंस बनते जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो इस टाइम मेरे पास दो प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, एक टेस्ट के नाम से और एक वॉल एंड वॉल के नाम से। मुझे वॉल एंड वॉल के अंदर काम करना है क्योंकि मैं इसके ऊपर CMS साइट प्लान जो है वो अपग्रेड कर चुका हूँ, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। वेबफ्लो में प्रोजेक्ट डिलीट कैसे करते हैं ये भी आप देख लें, आपने यहाँ से सेटिंग में जाकर डिलीट पे क्लिक करना है, उसके बाद ये वाला जो कोड है वो यहाँ पे पेस्ट करके डिलीट फॉर एवर कर देना है। ठीक है, ओके। अब मैं इस प्रोजेक्ट में जाता हूँ, इसको फ्रॉम स्क्रैच मतलब मैं एक सेक्शन आप लोगों को सेट करके बता देता हूँ, बाकी फिर आप लोग चलते रहेंगे। ओके जी,
ये मेरे पास पेज रैपर है, ये ग्लोबल, अब ग्लोबल स्टाइल्स की हमारी यूज कहाँ होती है। अच्छा, सबसे बड़ा इसका ये जो मैंने मतलब टोन बना के सेट किया है ना, इसका जो सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे पास यहाँ पर मैंने आप देखे मैंने ये एक्सटेंशन की हुई है इसके अंदर, ये मेरे पास क्लाइंट फर्स्ट की जो है फिन स्पीड की जो है वो ऑफिशियल एक्सटेंशन हुई हुई है, ये आप देख रहे हैं ब्लैक कलर में जो F4 है, ठीक है। अब इस एक्सटेंशन के जरिए अब मेरे पास यहाँ पे विद इन वेब फ्लो काफी फंक्शनैलिटीज एनेबल हो गई है। कैसे, अब ये आप देखें कि मैं फिन स्वीट पे क्लिक किया, ठीक है, ये मेरे पास कैंडीज आ गई, ये कुछ, अब जैसे आप लेट्स सपोज आप कहते हो कि मैंने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट्स बना दी हैं, लेट्स सपोज ये 1920 का ब्रेक पॉइंट मैंने बना दी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं इसको डिलीट करूँ, विद इन वेब फ्लो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको डिलीट करने का, बट फिन स्वीट आपको ऑप्शन दे रहा है। इस कैंडीज में जाएं, ब्रेक पॉइंट्स में जाएं, ओके जी, यस, वो आपको कह रहा है जी आपका 1920 का ब्रेक पॉइंट बना हुआ है, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, ओके, इस पे क्लिक करो और रिमूव ब्रेक पॉइंट, और वो कह रहा है कि ये आपका जो होगा मतलब मीन्स कि इस ब्रेक पॉइंट पे जो स्टाइलिंग हुई हुई है वो सब की सब डिलीट करेगा। वी नीड टू रिलोड डिजाइनर टू अप्लाई चेंजेस टू योर प्रोजेक्ट, वी ऑलवेज क्रिएट बैकअप ऑफ योर प्रोजेक्ट, और इसकी जो बैकअप वगैरह है वो आपका क्रिएट हो जाएगा, अगर आप लोगों को चाहिए तो दे सकते हैं, बट मैं आप लोगों को फॉर द सेक ऑफ लर्निंग ये चीज़ें बता रहा हूँ। ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करेगा, ठीक है। ये देखिए अब 1920 मैंने बनाई थी बट वो डिलीट हो चुकी है, तो इस तरह ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इसकी फंक्शनैलिटी इनहेंस कर देता है। और भी कैंडीज में काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुकीज़ वगैरह होगी, अब मैं मतलब कि आप लोग को मैं किसी और पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस टाइम, ओके। इसी तरह अब ये जो एक्सटेंशन है, अगर आप क्लोन फर्स्ट क्लाइंट फर्स्ट की क्लोन नहीं बनाएंगे तो ये एक्सटेंशन आपकी काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग स्टार्टर प्रोजेक्ट इसका लेके चलते हैं। दूसरी एक और फायदा उसका क्या होता है, ये देखें स्टाइल शीट जो है वो सेट हुई हुई है, सेट हुई भी इससे मुराद ये है कि क्लासेस आपके पास बनी हुई हैं, आप उनको अपनी जरूरत के मुताबिक सेट कर सकते हैं। जैसे आप H1 लेट्स सपोज यहाँ पर जो H1 बना हुआ है मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो H1 पड़ा हुआ है इस टाइम उसकी मेरे पास, सॉरी यार, अच्छा जो यहाँ H1 पड़ा हुआ है उसकी मेरे पास जो वैल्यू है वो 3.5 रैम और 700 पोर्ट है, ठीक है, और मुझे यहाँ पर जो H1 चाहिए वो मेरे पास जो है उसका जो फोन साइज है वो 50 पिक्सल्स है। 50 पिक्सल्स आपने कैसे चेक करना है, फिन स्वीट पे गए, यहाँ पर आए पिक्सल टू रैम कैलकुलेटर, यहाँ पर 50 50 पे आपने यहाँ पे आपने 50 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ से ये कॉपी कर लिया और यहाँ आकर पेस्ट करके दिया। अब ये आपकी एग्जैक्ट डिज़ाइन के मुताबिक मतलब इस तरह से आप उसकी स्टाइल शीट दोबारा अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ ये कि एक पॉइंट मेरे और जहन में था जो मैंने आप लोगों को डिस्कस करना था, पर ये स्टाइल शीट आप इस तरह यहाँ पे मतलब क्लासेस बनी हुई हैं आपको सिर्फ कॉल करनी। हाँ, एक चीज़ जो सेट एक और आप लोग से बहुत मेन पॉइंट मैंने डिस्कस करना है वो ये है, मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने कोई चीज़ ग्लोबली चेंज करवानी है, ग्लोबली मतलब कि ऑल ओवर द साइट जितने भी पेजेस हैं जितने भी सेक्शंस हैं आप चाहते हैं उस सब में वो चीज़ चेंज हो जाए, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से इस बॉडी को पकड़ना है। अब ये मैं वो बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो आप जीरो से जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है आप लोगों को ये स्टेप्स करना ही करने हैं, वरना वो आप लोग डिस्टर्ब होते जाएंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ से आता हूँ, ये बॉडी पे आया, ऑल पेजेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब इस टाइम जो है वो कह रहा है 1 ऑन दिस पेज 3 ऑन अदर पेजेस, ठीक है, ओके। अब मुझे फॉन्ट साइज चेंज करना है, अब यहाँ पे आप देखो DM सैंस जो है वो फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, सो तो ये DM सैंस के नाम से जो है वो फॉन्ट फैमिली हर जगह पे यूज हुई हुई है, ठीक है, DM सैंस। मैं यहाँ बॉडी पे आऊंगा, यहाँ पे आके देखता हूँ DM सैंस इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है, लेकिन मेरे पास इस टाइम DM सैंस के नाम से कोई फॉन्ट नहीं है, तो पहले मैं उसको इंस्टॉल कर लूंगा, ठीक है। अब उसको इंस्टॉल कैसे करना है, यहाँ प्रोजेक्ट सेटिंग में आ जाए, DM सैंस गूगल फॉन्ट, यहाँ पे चेक भी, अच्छा वेब फ्लो जो है वो आप लोगों को गूगल फॉन्ट्स कुछ खुद से भी दे रहा है जो आप सिर्फ यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर सकते हो, आपको अपलोड करने की डाउनलोड करके अपलोड करने की जरूरत नहीं है, इसको पहले लिस्ट में चेक कर लेंगे, अगर आपके पास DM सेंस पड़ा हुआ है वेल एंड गुड, यहाँ पे ये डी वाली सीरीज शुरू हो गई है, ये देखें DM सेंस पड़ा हुआ है, इसके मुझे
जो जो वेरिएंट्स चाहिए वो मैं यहाँ से ऐड फॉन्ट कर लूँगा, ठीक है। एक्स्ट्रा मेरे पास 3 वेरिएंट्स रेगुलर 500 और 700 हो चुका है। वापस डिज़ाइनर में जाऊँगा, उसने ऑटोमेटिकली सेव कर दिया जब आपने ऐड फॉन्ट पे क्लिक किया था। वरना अदरवाइज सेकंड वे होता है, अगर आपके पास उस लिस्ट में मौजूद नहीं है, आप यहाँ से आओ, गूगल में सर्च करो, ओके जी मेरे पास यहाँ पर ये पड़ी हुई है, यहाँ से आपको ये डाउनलोड फैमिली की ऑप्शन दे रहा है, डाउनलोड करो, उसका जिप को अनजिप करो, उसके अंदर TTF फॉर्मेट पड़ा होगा या OTF फॉर्मेट पड़ा होगा, वो फॉर्मेट आपने जाके सेटिंग में अपलोड का ऑप्शन होगा वहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके जी, अब हम लोगों ने सेक्शन कैसे सेट करने हैं, देखें जो पेज रैपर, सबसे पहले हमने पेज रैपर जो है ना वो लेना होता है। अब बेसिकली जो पेज रैपर है ये एक डिव है, ठीक है। आपने यहाँ से अगर आप बेसिक से स्टार्ट लेना चाहते हो तो मैं आपको तब बता रहा हूँ, वरना लेट्स सपोज अब ये क्लाइंट फर्स्ट के आपको साथ साथ मैं मतलब फंक्शनैलिटीज भी बता रहा हूँ। आप कोई न्यू पेज क्रिएट करते हैं, जैसे आप मेरा न्यू पेज, जो नेक्स्ट पेज होगा उसका नेम क्या है, पोर्टफोलियो, ओके। तो मैं इसको कहता हूँ पोर्टफोलियो, यहाँ से इसको सेव करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं क्या बार बार पेज रैपर और ग्लोबल क्लासेस और ये चीज़ें बनाता रहूँ, तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लाइंट फर्स्ट में आऊँगा, क्लाइंट फर्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ से आके ऐड कोर पेज स्ट्रक्चर पे क्लिक कर दूँगा। तो ये देखें, ये रिफ्रेश करेगा पेज को, देखिए इसने पेज पैटिंग, ग्लोबल स्टाइल, मेन रैपर, आपका एक सेक्शन और उसके अंदर एक डिव, डिव इसने इसलिए छोड़ी है क्योंकि ये आपको वो करवेगा, अगर आपको पैडिंग वर्ड सॉरी पेज पैडिंग के लिए इसने यहाँ पे छोड़ी है। मैंने इस टाइम पेज पैडिंग सेट नहीं की हुई, बट ये बाय डिफॉल्ट लेता है, तो इसने वो ले लिया और ये कंटेनर लार्ज, ठीक है। यहाँ तक वो स्ट्रक्चर आपको सेट करके दे दिया करेगा जब भी उसको चाहिए हो। अच्छा, अब हम वापस होम पेज पे चलते हैं, इस तरह आप पेज को ड्रैग करके सेट भी कर सकते हैं, और होम पेज पे वापस जाते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बट ये आपकी स्पीड्स, आपकी स्पीड्स स्पीड को काफ़ी बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हम सेक्शन, पहले इस हेडर सेक्शन को सिलेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम मजीद भी इन फंक्शनैलिटीज को कर सकते हैं, बट फॉर अगर आप लोग सीख रहे हैं तो काइंडली इतने ज़्यादा चीज़ों को अभी ऑटोमेट मत करें, अदरवाइज आप लोगों की लर्निंग जो है वो बंद हो जाएगी, आप लोग सीख नहीं सकेंगे, फिर कल को आप ये इन टूल्स का यूज़ करते रहेंगे, कोई कस्टम काम आ जाएगा तो आप लोग फिर फंसे रहेंगे कि भाई अब हम इसको करें कैसे, हमें तो बेसिक आती नहीं है, इसलिए बेसिक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें। ओके जी, हाँ चलिए ऐसा करते हैं, हम इसका ये हेडर सेक्शन बना लेते हैं। मैं एक सेक्शन बस बनाऊंगा क्योंकि वीडियो में स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है काम करने की, तो फिर मैं मतलब कि वो डेडलाइंस मीट करनी है मुझे, तो ठीक है। अब मेन रैपर के अंदर जो है ना, मैंने एक डिव ब्लॉक ले लिया, उसको मैंने क्लास दे देता हूँ सेक्शन होम। अब बेसिकली सेक्शन होम हेडर ही नाम मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये होम पेज है और ये सेक्शन जो है वो हीरो सेक्शन है या टॉप सेक्शन है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको क्लास दे सकता हूँ सेक्शन होम हेडर, सेक्शन होम हीरो, ठीक है। अब अभी जो मैं सारा फॉर्मेट फॉलो करूंगा वो क्लाइंट फर्स्ट वर्जन 1 का ही फॉलो करूंगा, क्योंकि क्लाइंट फर्स्ट वर्जन 2 जो है वो, जब आप लोगों को क्लाइंट फर्स्ट वर्जन 1 की बेसिक्स का नहीं पता होगा तो आप लोग डायरेक्ट क्लाइंट फर्स्ट वर्जन 2 पे आ जाओगे तो आप लोगों के लिए डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है। इसलिए मैं अभी जो है वो क्लाइंट फर्स्ट वर्जन 1 ही यूज करूंगा इस वीडियो में। ओके, सेक्शन होम हेडर आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए, इसके अंदर सबसे पहली चीज हमें चाहिए पे, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ स्पेसिंग है इस लोगो के लेफ्ट पे, सेम इसी तरह इस कॉन्टेक्ट के लेफ्ट पे भी कुछ स्पेसिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिजाइन में उसने लेट्स सपोज 46 दी हुई है, और यहाँ पर लेफ्ट वाली जो है वो सॉरी 37 दी हुई है, ठीक है। अब हम वो डिफरेंट देने से बेहतर है हम ऐसा करते हैं कि दोनों साइड पे जो है वो एक सेट कर देते हैं। मैं यहाँ पर क्लास देता हूँ पेज पैडिंग, ऑप्स, एक और चीज है यहाँ पे, ओके पर मैं यहाँ पे जो है ना वो पेज पैडिंग ले लेता हूँ। एक और चीज है बट वो मैं अभी डिफाइन अभी शेयर नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग फिर
वो कुछ क्लाइंट वर्जन क्लाइंट फर्स्ट वर्जन 2 की चीजें हैं, वहाँ पे आप फिर फंसे रहेंगे। अच्छा, पेज पैडिंग जो है मैं सेट कर लेता हूँ, लेट्स सपोज 2.5 फ्रेम फ्रॉम लेफ्ट एंड सिमिलरली 2.5 फ्रेम फ्रॉम राइट। ठीक है, अब मैंने उसको 2.5 फ्रेम राइट और 2.5 फ्रेम लेफ्ट सेट कर दिया है। अब इसके अंदर नेक्स्ट चीज जो मुझे क्या चाहिए, वो चाहिए कंटेनर, कंटेनर चाहिए। अब कंटेनर का साइज क्या है मेरे पास, मैंने आपके डिजाइन में देखना है। डिजाइन में आप देखो तो विड्थ जो है वो 1440 पिक्सल उसने रखी हुई है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक कंटेनर लार्ज ले लूंगा, ये देखें ऑलरेडी क्लास बनी हुई है और उसने उसको 80 RAM सेट किया हुआ है। मुझे क्या चाहिए, 1440 पिक्सल। मैं क्लाइंट फर्स्ट में आऊंगा, यहाँ आऊंगा, पिक्सल्स टू रैम करूंगा, 1440 टाइप करूंगा, यहाँ से 90 RAM आएगा, मैं इसको 90 कर दूंगा। ठीक है, अब इस टाइम जो मुझे कंटेनर चाहिए था वो 90 RAM चाहिए था, तो मैंने मतलब 1440 पिक्सल चाहिए था, तो मैंने उसको रैम में कन्वर्ट करके 19 RAM रख दिया। अब नेक्स्ट चीज मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट चीज मुझे चाहिए कि आपकी, अब बेसिकली ये नैप बार इस टाइम में नहीं बना रहा, मैं इस टाइम ये सेक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, अब इस सेक्शन में टॉप पे भी कुछ स्पेस है और बॉटम में भी कुछ स्पेस है। ठीक है, तो मैं इसको जो है ना, इसके अंदर एक कंटेनर और ले लेता हूँ। कंटेनर से मुराद डिव होती है। ठीक है, डिव ले लेता हूँ, उस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ पैडिंग वर्टिकल। ठीक है, और उसको मैं कह देता हूँ लेट्स सपोज एक्स एक्स लार्ज। अब ये इसने क्या किया है, टॉप और बॉटम पे 5 फ्रेम पैडिंग ले ली। ठीक है, अब इसके अंदर जो है मैं एक डिव और ले लेता हूँ जिसके अंदर बेसिकली मेरा कंटेंट आएगा। ठीक है, उसको मैं क्लास क्या दे दूंगा, उसको मैं क्लास का नाम दूंगा होम, सॉरी, हेडर कंपोनेंट अंडरस्कोर के साथ कंपोनेंट, क्योंकि होम हेडर का आगे से ये नेक्स्ट एक कंपोनेंट है, तो होम हेडर जो है वो बेसिकली इस मेन क्लास से आ गया। अब देखें होम हेडर, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा वाइट कर लेता हूँ, सॉरी। अच्छा, ये देखें होम हेडर यहाँ से आ गया, इसको दोबारा क्लास देता हूँ होम हेडर, और कंपोनेंट जो है वो अंडरस्कोर के साथ, क्योंकि ये होम हेडर का आगे से कंपोनेंट चल रहा है। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक्स पॉसिबल हैं, बट मैं आप लोगों को स्पेलिंग सिखाने नहीं बैठा यहाँ, इसलिए काइंडली वो इग्नोर कर दें। ओके, अब नेक्स्ट चीज हमें क्या चाहिए, अब यहाँ पे क्लाइंट ने एक रिक्वायरमेंट दी हुई है, साथ साथ मुझे उसके रिक्वायरमेंट्स को भी फॉलो करना है। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ें तो उसने क्या है, तो मैन्यू किट्स नहीं, ये वाली नहीं, यहाँ पर मैंने पढ़ा था, यस, उसने कहा कि आपका जो 80% ऑफ स्क्रीन है ना, उसके ऊपर ये इमेज और ये टेक्स्ट शो होना चाहिए हर टाइम पे, जब भी यूजर आए, चाहे वो 1920 पिक्सल्स पे आए, चाहे वो 2250, मतलब के एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे भी आ रहा है, लैपटॉप स्क्रीन पे भी आ रहा है, तो आपकी ये चीज जो है वो एक्स्ट्रा, ये जो पार्ट है ये हर टाइम 80% पे शो होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने ध्यान में रखनी है। वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस तरह से कमेंट्स किए जा सकते हैं, बट मैं फिलहाल इसको जनरल जनरल लेके चलता हूँ। पर मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड वीडियो चाहिए, बैकग्राउंड इमेज चाहिए, मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आता हूँ, किधर है बैकग्राउंड इमेज, यहाँ से, अच्छा ये फिग्मा से अगर आपको नहीं समझ आती कैसे निकालनी है, आप राइट क्लिक करें, सिलेक्ट लेयर करें, यहाँ से देखें वो आपको बता रहे हैं ये इमेज है, ये उसके ऊपर लेयर लगी हुई है, पर मुझे इमेज चाहिए, जो इमेज चाहिए, मैंने वहां से इमेज सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, इमेज जो है उनको आपने हमेशा प्रॉपर एक नेम देना है, इस तरह से उसको नहीं छोड़ना। अब ये एक्चुअली आई थिंक स्पेन की कुछ कंपनी है, तो उनका ये शायद स्पेनिश चल रही है, तो मैं उसी के मुताबिक ले लेता हूँ। अच्छा, एक चीज और, इस टाइम ये आप देख रहे हैं क्या साइज है, ये 993 KB साइज है, ये बहुत बड़ा इमेज का साइज है इस टाइम, तो मैं इसको सबसे पहले रिड्यूस करूंगा। सेकंड चीज, यहाँ पे इसके साइजिंग भी देख लेता हूँ, डायमेंशंस के लिहाज से विड्थ और हाइट ठीक है, बट विद रिस्पेक्ट टू साइज लाइक MBs, आप कह लो कि इस टाइम वो 993 KB जो है नियर टू 1 MB है, जो कि बहुत ज्यादा लार्ज साइज है, हमारी वेबसाइट की स्पीड को अफेक्ट करेगा, इसलिए जब भी आपके पास 200 KB से लार्ज का इमेज आ रहा है, काइंडली उसको आप लोग कंप्रेस कर लें। ये मैंने एक आई लव इमेज डॉट कॉम के नाम से कंप्रेसर है, मैंने उसको ले लिया और यहाँ से उसको इमेज अपलोड करके
कंप्रेस कर दिया। ये देखें आपको तकरीबन 70% प्लस जो है वो करके दे देता है, पर 60% इसने अभी की है, बट इट्स गुड थिंग। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी रखें कि आप लोग उसको 200 KB या 300 KB के दरमियान इमेज साइज रखें, अगर एक कंप्रेसर से आपका इमेज इतने साइज का नहीं हो रहा, ये एक और है टाइनी PNG या टाइनी JPG, आप इसको ले लें, और जब वो जो इमेज आपने वहां से डाउनलोड किया है 396 KB का, उसको यहाँ अपलोड कर लें, देखें उसने मजीद 60 KB जो है वो ऑलमोस्ट नीचे कर गिरा दी है, तो ये ऑलमोस्ट 300 के करीब हो चुका है। तो ये अच्छे टूल्स हैं आपकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में, आपको काफी हेल्प करते हैं। ठीक है, मैं इसलिए ये सारी प्रैक्टिसेस बेसिक से इसमें कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा जो मेरे मतलब के साथ चल रहे हैं लोग, जो स्टूडेंट्स आप कह लें, उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम लोगों ने बेसिक कैसे चीजें सेट कर, इसलिए मैं एक एक पॉइंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बट आप लोगों के क्वेश्चन सारे इंशाल्लाह क्लियर होते जाएंगे। अच्छा, अब इसको सेट कैसे करना है, यहाँ आते हैं, ये सेक्शन होम हेडर में आते हैं, इसके बैकग्राउंड में जाके, इसके अब दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसके बैकग्राउंड में लगा दें, जैसे कि मैं लगाने लगा हूँ। सेकंड पे इसका ये है कि आप इसको CSS पोजीशन प्रॉपर्टीज के जरिए सेट कर लें। ठीक है, आप दोनों वे से कर सकते हैं। अभी ये आप लोगों को मैंने एक्चुअली CSS पोजीशन प्रॉपर्टी का आप लोग का वीडियो देख लो, आप उससे खुद भी सेट करते हो, मैं उससे इसलिए नहीं कर रहा, एक तो वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा, सेकंड चीज ये कि ये जो मैं यहाँ पे काम करूँ, मैं ये टोटली अभी अंडू करूंगा और मैं इसको दोबारा बनाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो मतलब कि मैं इंतहाई तसल्ली के साथ करना चाहता हूँ काम, और मैंने क्लाइंट फर्स्ट वर्जन 2 फॉलो करना है, बट इस वीडियो में मैं इस टाइम क्लाइंट फर्स्ट वर्जन 1 फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ आता हूँ, बैकग्राउंड में लगाता हूँ इसको, से आके इसको कवर कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको बैकग्राउंड इमेज की सेटिंग होती है, कवर से ये है कि आपका वो फुल स्क्रीन कवर कर लेगा, कस्टम से जो है वो आप उसको कस्टम मतलब आप चाहते हो भाई मुझे 50% रखना है, ओके आप 50% रख लो, आप चाहते हो मुझे कुछ भी करना है, मुझे कंटेन में वो है आपके इमेज को एक्चुअल साइज में यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, मुझे इस टाइम ये फुल कवर करवाना है, तो मैंने इसको कवर में रख के सेंटर कर लिया। आप अगर इसको अप डाउन लेफ्ट राइट जो भी करना चाहते हो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, इमेज को रिपीट करवाना चाहते हो तो यहाँ से ये ऑल डायमेंशन में रिपीट हो जाएगा, यहाँ से हॉरिजेंटली और यहाँ से वर्टिकली, बट मुझे रिपीट नहीं करवाना तो इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चीज पे अब आप एक चीज नोट करो कि यहाँ पर एक ओवरले सा है इसके ऊपर, बट यहाँ पर इमेज के ऊपर कोई भी ओवरले नहीं है, उस चीज को कैसे यूज करना है, उस चीज को ऐसे यूज करना है कि हम लोग इसमें एक और डिप डाल लेंगे, उसको ऊपर ओवरले दे देंगे, बट ये वीडियो मैं उस चीज के लिए स्पेसिफिक नहीं बना रहा, मैं एक जनरल सेटअप बना रहा हूँ, तो मैं उसको स्किप करूंगा, क्योंकि वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा हाउ टू ऐड ओवरले, बट इसमें मैं स्किप कर रहा हूँ। ओके, अब मुझे ये हेडिंग यहाँ पे चाहिए, इसके अंदर आता हूँ मैं, हेडिंग को आप देखो एक तो वो सेंटर में है, ठीक है, दूसरी बात ये कि उसका एक मैक्स वेड्थ है। ठीक है, तो मैं इस कंपोनेंट के अंदर आता हूँ, यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ मैक्स वेट समथिंग लाइक स्मॉल करके चेक करता हूँ, ये है 30 RAM है, पर हम चेंज कर लेंगे, मैं 30 RAM इसको रख रहा हूँ, और इसके अंदर मैं H1 डालता हूँ, H1 मैंने ये है मेरे पास, H1 को मैं यहाँ से ये यहाँ से टेक्स्ट कॉपी करता हूँ, इसका यहाँ पर आके पेस्ट करता हूँ, और H1 को हम सेट कर लेते हैं 3 point something, मुझे क्या चाहिए था 50, 350 होता है 3.125। ठीक है, अब ये जो मैक्स वेट का ये मुनासिब नहीं है, मैं इसको मीडियम चेक कर लेता हूँ, मैक्स वेट मीडियम, मीडियम में भी जो है वो एक्चुअली हाँ DM सेंस में नहीं रखा हुआ, मैं पहले इसको, अच्छा फोन साइज कैसे चेंज करना है, यहाँ से बॉडी पे आए, बॉडी से आके ऑल पेजेस को पकड़ा, इस टाइम यहाँ पे सिस्टम यू आई है, इसको मैं DM सेंस कर लूंगा जो हम लोगों ने अपलोड किया था वीडियो के स्टार्ट में, तो DM सेंस कहाँ है, ये है। ठीक है, ओके, अब H1 को पकड़ते हैं, 750 और -2, H1 750
अब यहाँ पर आप देखो, ये उसने जो -2% है ना, ये बेसिकली लेटर स्पेसिंग इसको कहते हैं। ये एक एक होती है चीज लाइन हाइट। व्हाट इज लाइन हाइट? लाइन हाइट होती है ये जो 3 लाइंस है ना, 3 लाइंस ऑफ सेंटेंसेस आप कह लो या जो भी, इनके दरमियान में जो स्पेस है ना, इसको लाइन हाइट कहते हैं। अब इसको मुझे कम अगर करना है तो मुझे यहाँ से इसको कंट्रोल करूंगा, ये आप देख रहे हो, मुझे बढ़ाना है तो ऐसे, अगर मुझे कम करना है तो इसको मैं 1 रख लेता हूँ फॉर नाउ। सेकेंड चीज ये कि लेटर स्पेसिंग क्या होती है। लेटर स्पेसिंग होती है ये जो HAND है ना, इन इन करेक्टर्स के दरमियान में जो स्पेस है, इन लेटर्स के दरमियान में जो स्पेस है, उसको लेटर स्पेसिंग कहते हैं। अब मैं इसको, मुझे वहां पे -2% है, मैं इसको ऑलमोस्ट आप कह लोगे -1 पिक्सल्स या माइनस, क्योंकि ये इसके अंदर जो है मेरे पास परसेंटेज में नहीं होता, वे फ्लो ऑप्शन ही देता लेटर स्पेसिंग के लिए, तो मैं अकॉर्डिंग टू नीड सेट कर लूंगा। आप यहाँ से थोड़ा सा अंदाजा खुद से लगा लोगे, मैं फिलहाल -3 पिक्सल्स रख रहा हूँ, फिर अगर मुझे चेंज करना हुआ तो मैं चेंज कर लूंगा। अच्छा, मैक्स विड्थ को अब हम यहाँ से एग्जैक्ट देख लेते हैं। 736 पिक्सल्स जो है ना इस टाइम यहाँ पे विड्थ लगी हुई है, ठीक है। मैंने क्या यूज किया हुआ है, मैंने 35 रैम किया हुआ है। यहाँ से आगे हम देखेंगे कि 736 पिक्सल्स टू रैम में जाके 736 बेसिकली होता है 46 रैम, ठीक है। तो मैं इसको 46 रैम कर देता हूँ। अब देखें एग्जैक्ट वही चीज हमारे पास बन चुकी है। अब टेक्स्ट अलाइन सेंटर मुझे चाहिए। पहले तो मैं ऐसा करता हूँ, इसके पेरेंट को पकड़ता हूँ, इसके पेरेंट को पकड़ के यहाँ पे टेक्स्ट कलर जो है वो मैं वाइट कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ। सेकंड चीज ये कि मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर चाहिए, तो मैं इस मैक्स विड्थ के अंदर जाके एक डिप लूंगा, उस डिप को मैं जो है H1 को उसके अंदर ड्रैग कर लूंगा और उसको मैं क्लास दे दूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। अब ये देखें, ये सेंटर में हो चुका है, बट इशू क्या आ रहा है कि मैक्स विड्थ की वजह से उसने 46 रैम तक अपनी जो है वो विड्थ बढ़ाई हुई है। अब हम इन्हें इस ओवरऑल पेरेंट को हमने सेंटर में लाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो मैंने मैक्स विड्थ मीडियम या मैक्स विड्थ स्मॉल मैंने जो क्लास ली थी, मैं यहाँ पर आके क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं लूंगा अलाइन सेंटर। ये देखें, इसे सेंटर में कर दिया। ओके, अब मुझे इसको जो है वो कुछ हाइट भी देना है, तो वो मैं लेट्स सपोज कह देता हूँ, चलो यहाँ से देख लेते हैं, 758, 758 ऑलमोस्ट 47 शायद होता है, 758, 47.375। ओके, मैं यहाँ पे आके दूंगा उसको इतने रैम, और यहाँ से आके दूंगा मैं उसको 100 VH, और 100 VH काफी ज्यादा हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से हम, मतलब हम इनिशियल स्टार्ट कैसे लेंगे, पेज रैपर होगा, उसके अंदर मेन रैपर होगा, उसके अंदर सेक्शन होम हेडर होगा, और इस तरह आप उसको सेक्शन सेट करते जाएंगे। इसी तरह आपका नेक्स्ट सेक्शन जो भी होगा वो आ जाएगा, फिर इस तरह नेक्स्ट सेक्शन लेट्स सपोज है मेरे पास ये है, तो नेक्स्ट सेक्शन को आप कह लोगे, बल्कि मैं ऐसा करूंगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए मैं हीरो के अंदर इसको भी ऐड कर लूंगा, हीरो सेक्शन में इसको रख लूंगा, मार्जिन टॉप वगैरह दे के, ठीक है। उसके बाद ये जो ट्रस्टेड बाय द बिगेस्ट ब्रांड्स, अब नेक्स्ट सेक्शन जो मैं लेट्स सपोज ले लूंगा, एक डिप में लेता हूँ उसको, मैं नाम उसको क्लास दे दूंगा सेक्शन होम ब्रांड्स, ठीक है, सेक्शन होम ब्रांड्स, ठीक है, उसमें ये वाला सेक्शन आ जाएगा लोगोस वाला। इसी तरह फिर सेक्शन होम प्रोजेक्ट्स, फिर इसी तरह सेक्शन होम व्हाट व्हाट वी डू, या सेक्शन होम वर्क कह लेंगे इसको हम, फिर सेक्शन होम प्रोसेस, फिर सेक्शन होम रिव्यूज टेस्टिमोनियल्स कह लेंगे या रिव्यूज कह लेंगे, फिर सेक्शन होम कॉन्टैक्ट, फिर उसके बाद हमारे पास फुटर आ जाएगा। अब बेसिकली जितने भी आपके मैंने सेक्शंस वहाँ पे काउंट करवाए हैं वो सब इस मेन रैपर के अंदर आ जाएंगे, बट जो आपका फुटर होगा वो हम इसको यहाँ पर एक डिप लेके उसको कह देंगे फुटर कंपोनेंट, ठीक है। तो ऐसे आपका फुटर जो है, अब आपका जो पेज
बॉडी होगी वो तीन चीजों में एक किस्म का डिवाइड हो जाएगी, सॉरी पेज रैपर जो होगा, एक पेज रैपर के अंदर एक यहाँ पर नेपार आ जाएगी, यहाँ पे चलो ग्लोबल स्टाइल्स पड़ी हुई है ठीक है, बट यहाँ पर मेन चीज नेपार आ जाएगी, फिर मेन रैपर आ जाएगा और नीचे फुटर आ जाएगा। तो ये आपका बेसिक लेआउट बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा पेज का। मेन रैपर के अंदर आपके सब के सब सेक्शंस आते जाएंगे, फुटर के अंदर आपका फुटर आ जाएगा और मेन रैपर के अंदर डायरेक्टली ही आपका नेपार आ जाएगा, और रिस्पॉन्सिव वगैरह आपको आपको पता है कैसे सेट करना ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने चीज़ें स्टार्ट लेनी है। तो आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी, जो चीज़ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने बेसिक से स्टार्ट कैसे लेना है। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं, बट आई थिंक कि आप लोगों को बेसिक स्टेप समझ में आ गए होंगे। और हाँ, हर सेक्शन के अंदर आपने ये फिर चीज़ें सेट करते जाना है, पेज पैडिंग कंटेनर लार्ज आपका ऑलमोस्ट सेम ही चलेगा, फिर उसके अंदर आपका अब सेकंड सेक्शन मैंने रखा, मैं उसके लिहाज से आपको बता देता हूँ, सिर्फ आप लोग खुद कर लिएगा। सेक्शन होम मैंने रखा ब्रांड्स ठीक है, उसके अंदर पेज पैडिंग आ गई ठीक है, कंटेनर लार्ज भी आ गया ठीक है, पैडिंग वर्टिकल भी आपको जो भी चाहिए यहाँ से टॉप के लिए यहाँ से बॉटम के लिए आपने ले ली होम। अब यहाँ पर होम हेडर कंपोनेंट था, अब सेकंड सेक्शन में आ जाएगा होम ब्रांड्स अंडरस्कोर कंपोनेंट ठीक है, फिर उसके अंदर आपकी ये वाली टाइटल और ये जो चीजें हैं वो आ जाएंगी। इसी तरह थर्ड सेक्शन में आपका सेक्शन होम प्रोजेक्ट्स, और जो नेक्स्ट कंपोनेंट आएगा उसका नाम क्या होगा, होम प्रोजेक्ट्स अंडरस्कोर कंपोनेंट, और उसके अंदर आपके ये CMS बेस्ड टेप्स वगैरह सब चीजें आ जाएंगी ठीक है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज और, मैं इसको सारा अंडू भी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे दोबारा से करना है इसको वेरिएंट 3 के साथ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।